दोस्तों जेट एयरवेज फिर से हवा में उड़ने की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में एयरलाइंस ने करीब 100 विमान खरीदने के लिए ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बोइंग को ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि ये डील करीब 12 बिलियन डॉलर में हुई है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग से 100 विमान खरीदने के लिए जेट एयरवेज की बातचीत चल रही है और जेट एयरवेज ने यात्री विमान यानी कि पैसेंजर एयरप्लेन खरीदने के लिए बोइंग को टोटल 12 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया है। खबरों के मुताबिक जेट एयरवेज फिर से साल 2022 की पहले तिमाही से डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पर उड़ान भर सकती है और कंपनी ने कहा है कि जनवरी मार्च 2022 के बीच उसकी पहली फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के बीच शुरू होगी। जेट एयरवेज के मैनेजमेंट ने बताया है कि अगले साल की शुरुआत में जेट एयरवेज रनवे पर लौट आएगी। आपको बता दें कि कंपनी का नया मालिक मिल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस के नए मालिक यूएई के बिजनेसमैन मुरारी लाल जानन है और दोस्तों इस खबर की वजह से ही जेट एयरवेज का शेयर काफी ऊपर जा रहा है। इससे पहले पिछले दिनों जब जेट एयरवेज को नया मालिक मिला था तब भी कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। गौरतलब है कि जेट एयरवेज का कामकाज करीब 3 साल बाद शुरू होगा। दोस्तों पिछले दिनों कंसोर्टियम के लीड मेंबर मुरारी लाल जाना ने कहा है कि हमें जून 2021 में ही एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद से ही हम अथॉरिटी के साथ मिलकर गंभीरता से काम कर रहे हैं ताकि इस एयरलाइंस को आकाश में फिर से पहुंचा सकें। दोस्तों जेट एयरवेज का टारगेट 2022 के पहले क्वार्टर तक डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू कर देने का है। जेट एयरवेज के सीईओ कैप्टन सुधीर गौर ने बताया है कि नए अवतार में जेट का हेडक्वार्टर दिल्ली गुरुग्राम में होगा और जेट ने करीब 150 कर्मचारियों की भर्ती की है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 1000 से ज्यादा कर्मचारी और भर्ती किए जाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर जेट एयरवेज जोरदार बाउंस कर रहा है एयर एविएशन के फील्ड में और उम्मीद करते हैं कि जेट एयरवेज इस फील्ड में अच्छा करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट जेट एयरवेज को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।